गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट पैरासाइट्स. नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज अडैप्टेशंस टू विंटर कंडीशन एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाइबरनेशन. पिछली क्लास में हमने पैरासाइट के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे अडैप्टेशन टू विंटर कंडीशंस. मतलब विंटर का जब मौसम आता है तब उसमें जो जो कंडीशंस होती है, जैसे बहुत ठंड पड़ती है इस तरह की, तो एनिमल में क्या अडैप्टेशन होता है, मतलब उसके शरीर में तब क्या अनुकूलन होता है, और उसकी उस टॉपिक में हमारा पहला टॉपिक है हाइबरनेशन. हाइबरनेशन इज अ डीप विंटर स्लीप विच एन एनिमल टेक्स व्हेन द वेदर कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल. हाइबरनेटिंग एनिमल्स फीड वेरी वेल ड्यूरिंग समर व्हेन द फूड इज प्लेंटीफुल. दे कन्वर्ट दिस फूड इनटू फैट विच इज स्टोर्ड फॉर ए लेटर यूज. When the weather conditions improve, the animal restart their normal activities. Frog, bat, bear, crocodile and snake hibernate in winter. Hibernation is a deep sleep which an animal takes when the weather conditions are not favorable. Hibernating animal feed very well during summer season and that food is plentiful. They convert this food into fat which is later used by that animal when he is hibernating. Okay? When the weather condition improve, then that animal restart their normal activities. Some examples of animals which hibernate are frog, bat, bear, crocodile and snake. Hibernation को हम हिंदी में बोलते हैं सुप्तावस्था. Hibernation क्या होता है, वो एक winter sleep. जाड़े के मौसम में वे बहुत लंबे समय के लिए जानवर सो जाते हैं. उस क्यों सोते हैं, क्योंकि तब उनके कंडीशंस, जो वेदर कंडीशंस, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो वातावरण उस समय का जो होता है, वो उनके शरीर के लिए अनुकूल नहीं होता है. तो वो क्या करते हैं, उस वातावरण में अपने आप को जिंदा रखने के लिए खुद लंबे समय तक सो जाते हैं. और उसके लिए वो क्या करते हैं, जब समर का मौसम होता है तब ये जानवर खूब अच्छे से भर पेट भोजन कर लेते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेते हैं. फिर वह भोजन इनके शरीर में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है. फिर इस फैट को वे आगे, जब उनका विंटर स्लीप होता है, जब वो हाइबरनेट करते हैं, तब वे इस फैट का यूज करते हैं जिंदा रहने के लिए. मतलब समर के मौसम, समर सीजन्स में ये एनिमल्स खूब सारा खाना खा लेते हैं, और जो ये जो खाना है ये फैट के रूप में स्टोर हो जाता है, मतलब चर्बी के रूप में इनके शरीर में स्टोर रहता है. इस खाने को ये जब ये हाइबरनेट करते हैं, जब ये सुप्तावस्था में लंबी नींद में जाते हैं, तब इस फैट को ये यूज करते हैं जिंदा रहने के लिए. ओके, क्योंकि इनकी हाइबरनेशन पीरियड 6 महीने भी हो सकता है, 1 से 2 मंथ भी हो सकता है, तो इतने लंबे समय तक बिना खाए तो नहीं रह सकता जिंदा. तो इसके लिए ये क्या करते हैं, उस फैट को यूज करते हैं. जब वेदर कंडीशंस इंप्रूव हो जाती है, मतलब जब मौसम सही हो जाता है, इनके जिंदा रहने लायक हो जाता है, अच्छा हो जाता है, मतलब विंटर थोड़ा सा धीरे धीरे कम होने लगता है, तब ये अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में आ जाते हैं. तब ये वापस जैसे अपने नॉर्मल एक्टिविटीज करते थे, जैसे उठना, शिकार खेलना वगैरह, ये सब करने लग जाते हैं. ठीक है, कुछ एनिमल्स जो हाइबरनेट करते हैं वो कौन है, फ्रॉग है, बैट है, बियर, क्रोकोडाइल और स्नेक है, जो विंटर में हाइबरनेट करते हैं, विंटर में सुप्तावस्था में चले जाते हैं, मतलब लंबे समय तक के लिए सो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है इसमें माइग्रेशन, MIGRATION, माइग्रेशन. माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देन बैक अगेन. Animals migrate to find a better climate, better food and a safe place to live and lay eggs. Monarch butterfly, whales, crane etc. are examples. Migration is the movement of animal from one place to another in search of better climate, place and safe place. They also migrate to lay eggs also. Okay? Migration वो है जब जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चला जाता है. क्यों जाता है, क्योंकि तब उसमें उस स्थान पे ऐसा क्लाइमेट नहीं होता है जिसमें कि वो जिंदा रह सके, तो वे अपने आप को जिंदा रखने के लिए उस स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं जहां पे उन्हें अपने शरीर के अनुकूल क्लाइमेट या वातावरण या मौसम मिल जाता है. ठीक है,
क्यों माइग्रेट करते हैं एनिमल्स? जिससे कि उन्हें अच्छा क्लाइमेट मिले, अच्छा मौसम मिले, वेदर मिले, बेटर फूड मिले, अच्छा खाना मिले और उन्हें सेफ प्लेस मिले जिससे कि वो अपने अंडे दे सके। अक्सर चिड़िया जो है वो अपने अंडे देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ समय के लिए चली जाती हैं। जब अंडे दे लेती हैं, बच्चे हो जाते हैं, निकल आते हैं, तब वे वापस उस जगह पे आ जाती हैं जहाँ पे वो रहती थी। ओके, कुछ माइग्रेशन करने वाले एनिमल्स हैं मोनार्क बटरफ्लाई, व्हेल्स, क्रेन, ये सब माइग्रेटिंग एनिमल्स हैं जो माइग्रेट करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब देखिए मैं ये फैक्ट पढ़ रही हूँ। इट इज बिलीव दैट करंटली देयर आर ओवर 1 मिलियन व्हेल्स इन द ओशियंस बिलोंगिंग टू 80 डिफरेंट स्पीसीज। ऐसा विश्वास किया जाता है कि करीब 1 मिलियन व्हेल्स हमारे महासागर में रहती हैं। व्हेल मछली हमारे महासागर में करीब 1 मिलियन व्हेल मछली रहती हैं और उनकी 80 डिफरेंट स्पीसीज रहती हैं। 80 प्रकार की अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। ओके, स्पीसीज मतलब अलग अलग प्रजाति। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अडेप्टेशंस टू प्रोटेक्शन, मतलब अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए वे क्या अडेप्टेशन करते हैं जानवर। अडेप्टेशन टू प्रोटेक्शन, some animals have adaptations to protect themselves. Here are some ways in which they adapt themselves for protection. Some animals like tiger and deer can run very fast because they have strong legs. The color, shape or markings of some animals make it difficult for being visible. The ability of an animal to merge with its surrounding is called camouflage. Camouflage helps animal to hide from their predators. A tiger's striped coat is good camouflage in the jungle grass. A chameleon can change its color to match its surroundings. Animals like elephant and hippopotamus are too big in size to be hunted by other animals. Snails and turtles have shells to protect them. Animals like porcupines have spines which protect their soft bodies. Some animals have adaptations to protect themselves. Animals के पास अपने आप को protect करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए कुछ adaptations होते हैं, मतलब कुछ अनुकूलन होते हैं। उनके शरीर में कुछ ऐसी बनावट होती है जिससे कि वे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी रक्षा कर सके। देखिए कुछ तरीके दिए जा रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस करते हैं। पहला है, सम एनिमल लाइक टाइगर एंड डियर कैन रन वेरी फास्ट बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। कुछ जानवर जैसे कि टाइगर और डियर, ये बहुत तेज दौड़ते हैं क्योंकि उनके लेग्स जो है वे बहुत स्ट्रांग होते हैं। डियर तेज दौड़ता है जब उसका शिकार उसके पीछे पड़ा रहता है। इसी तरह से टाइगर भी तेज दौड़ता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। ठीक है, सेकंड है, द कलर, शेप और मार्किंग्स ऑफ एनिमल लाइक इट डिफिकल्ट फॉर बीइंग विजिबल। कुछ एनिमल्स का कलर, उनका शेप मतलब उनका आकार और उनके शरीर में ऐसी मार्किंग, ऐसे निशान होते हैं जिससे कि वे आप उसको विजिबल नहीं कर, वे अपने आप को विजिबल नहीं कर सकते, मतलब आप उसको देख नहीं सकते हैं। जैसे एक एनिमल की ऐसी एक अडेप्टेशन होती है जिससे कि वे अपने आप को अपने सराउंडिंग में मर्ज कर लेते हैं, मतलब उसके शरीर में ऐसा अनुकूलन होता है कि वे चारों तरफ के वातावरण के हिसाब से अपने आप को उसमें मर्ज कर लेते हैं, उसमें मिला देते हैं। ऐसी अडेप्टेशन को बोलते हैं कैमोफ्लेज। जैसे कि गिरगिट, वो अपने शरीर के रंग को बदल देता है अपने सराउंडिंग के हिसाब से। अगर ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहां गिरगिट बैठा हुआ है। ठीक है, ये कैमोफ्लेज क्यों करते हैं? ताकि वे अपने आप को हाइड करें प्रीडेटर्स से, मतलब अपने शिकारी से अपने आप को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए वे एनिमल कैमोफ्लेज करते हैं। अपने आप को अपने शिकारी से छुपाने के लिए वे कैमोफ्लेज करते हैं। ऐसे ही एक टाइगर की बॉडी में स्ट्राइप्ड कोट होते हैं जो कि उनके जंगल ग्रास के लिए एक अच्छा कैमोफ्लेज होता है। टाइगर की बॉडी में स्ट्राइप्स होते हैं, लंबे लंबे धारियां होती है ना, जिससे कि वो घास में अपने आप को छुपा लेता है और आपको पता नहीं चलेगा कि टाइगर बैठा हुआ है जबकि वो बैठा रहता है। इसी तरह से चैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर टू मैच इट्स सराउंडिंग। इसी तरह से मैंने आपको बताया ना कि गिरगिट जो है वो अपने चारों तरफ के सराउंडिंग, अपने चारों तरफ के वातावरण के हिसाब से अपने शरीर का कलर चेंज कर लेता है जिससे कि हमें पता ही नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि वहां पे वो बैठा है, और इस तरह से वो अपने आप की रक्षा करता है।
थर्ड है एनिमल्स लाइक एनिमल एंड हिप्पोपोटामस आर टू बिग इन साइज टू बी हंटेड बाय अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट और हिप्पो, हिप्पो को हिंदी में हम जलहस्ती बोलते हैं, ठीक है, ये इतना इनका बड़ा साइज होता है कि इनका कोई शिकार ही नहीं कर सकता है, एनिमल और हिप्पो का. फोर्थ है स्नेल्स एंड टर्टल्स हैव शेल्स टू प्रोटेक्ट देम. घोंगा, स्नेल को हिंदी में बोलते हैं घोंगा, और टर्टल्स कछुए, इनके शरीर के ऊपर ऐसे शेल्स होते हैं, अपने आप देखा होगा खूब बड़ा सा शेल होता है टर्टल्स और स्नेल्स के ऊपर, जिससे इसकी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं उसी के द्वारा, शेल्स के द्वारा. एनिमल्स लाइक पॉर्क्यूपाइन हैव स्पाइंस व्हिच प्रोटेक्ट देयर सॉर्ट बॉडी. कुछ एनिमल जैसे पॉर्क्यूपाइन, उसके शरीर में बड़े बड़े कांटे होते हैं, साही बोलते हैं पॉर्क्यूपाइन को हिंदी में, क्या बोलते हैं, साही. उसके शरीर में इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं जिससे कि वे अपने शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, वो कांटे पॉर्क्यूपाइन के शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या प्रोटेक्ट करते हैं, स्पाइंस, उसके शरीर में कांटे होते हैं. ओके, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट. ओके चिल्ड्रेन, नाउ रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड लर्न ऑल द इम्पॉर्टेंट विच इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आर हेयर, सम डेफिनेशंस आर हेयर एंड अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर हेयर, सो लर्न दिस. ओके, नाउ दिस मच फॉर टुडेज सेशन. इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस लेसन. ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू चिल्ड्रेन.